अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे और रात के 3 बज रहे हैं, हमें फजर में निकलना है। तो बस इस वक्त मैं थोड़ी सी कढ़ाई बना रही हूँ, वाइट कढ़ाई लेके जाने के लिए, और साथ में सुहान की फूफो जा रही हैं, वो बना रही हैं कीमा और मैक्रोनी। ये 4:45 हो रहे हैं और अब हम लोग घर से निकल रहे हैं। आधी अमाम अभी भी सो रही है, इनको ऐसे ही उठा के गाड़ी में डाल देंगे। और सुभान को उठाया अली ने, हाँ। और ये सुहान जाग रहे हैं और ये पप्पू भी खड़ी हुई हैं, और एक गाड़ी वो रही और एक गाड़ी ये रही। अली किसको इशारे कर रहे हो? अली इशारे करते हुए, अच्छा। और ये स्लाइडिंग कर, अब हम लोग निकल रहे हैं। सोचा हमने था कि हम सनराइज देखेंगे वहां जाके, लेकिन हमें लेट हो गया निकलते निकलते। अब हम रास्ते में कहाँ जा रहे हैं सुहान? अंडा पराठा लेने। हम लेने जा रहे हैं नाश्ता। यस और ये आ गया होटल, यहाँ से लेंगे अंडा पराठा। मामा 7 अंडे दे दो और तुम 7 पराठे दे दो, वो मिर्चे नहीं डालना, सिर्फ प्याज वाला, सही है? कितने पैसे होगा भाई, कितने पैसे होगा? 100 रुपये से क्या? 7 अंडे 7 पराठे। 7 अंडे 7 पराठे हिसाब बताओ का। 7 अंडे 7 पराठे जो और 560 रुपये। हमें तुमने चिकन चीज पराठे भी लगा दिए। लाओ आमलेट में जाओ भाई, ये हो गया आमलेट, लगाओ पराठा शुरू करो। मामा 5 बज रहे हैं, होटल कितने बजे खुला होता है भाई? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने बंदे होते हैं भाई? 4 दिन में 4 रात में। और ये हमारे चुन्नू मुन्नू का बोलते हैं, ये रात में होते हैं और दिन में सोते हैं। ये चिकन चीज पराठा बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 हुए। ये आखिरी भी आ गया भाई। चलो मामा जल्दी से फेंक मारो, बस हल्का हल्का नमक। ये आमलेट बनना शुरू हो गया। पिज्जा पराठा सुहान, आप खाते हैं पिज्जा पराठा? हैं, थोड़ा सा दूर होइए, हॉट है ये बहुत ज़्यादा। ये पिज्जा पराठा लगने शुरू हो गए। मुन्नू पाठा और ये पार्टी ने रात में पेट्रोल नहीं डलवाया था, तो इसलिए इनको अभी जाना पड़ रहा है। हमने रात में ही फुल करा लिया थी टंकी, तो हम नहीं जाएंगे पेट्रोल पंप। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, बच्चा कहाँ से आ गया? ये भी जा रहा है नाश्ता करने आया, और इसकी तो मम्मा भी आ गई। सुबह सुबह नाश्ता करने निकले हैं अम्मा बेटे, कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ तो बता दो हमें, कुछ बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? हाँ मुन्नू, हो गया भाई पार्सल? हो गया, लाओ दूसरी दही भी दो। चलो चलो जल्दी जल्दी बैठो, फौरन बैठो, जल्दी जल्दी। चलो भाई चलें, बस अब हम लोग रवानगी हमारी। हम ये ज़रा सामान
डिग्गी में फिनिश रख दे भाई। चलो भाई चलो भाई चले भाई, सवारी स्टार्ट है हमारी। अजान हो गई फजर की, शुरू हो गई है। चले आप सब तैयार हैं चलने के लिए? यस। चलिए हेडलाइट्स ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी पार्टी गई है पेट्रोल भरवाने। हाँ दूसरी पार्टी ने रात में डलवाया नहीं, मैंने बोला था रात में डलवा लो भाई। और ये आ गए हम कहाँ पे? लियार एक्सप्रेस वे। उस टाइम भी रशा भैया लाइन लगी हुई है। 5:15 बज रहे और यहाँ पे दो टूल बन गए, एक खुला हुआ, एक खुला हुआ, जब यहाँ पे लाइन है, बड़ा रश नहीं होता। ये सारे पिकनिक पे जाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, रास्ता निकलते ही नहीं हमारा। नहीं नहीं, हाँ हाँ, उस पर सीधे उसे प्लेन करता है ना। ये टूल क्रॉस करेंगे, पहुंचने नहीं वाले अभी। अभी तो टूल क्रॉस करेंगे बेटा। दो दो पीछे वाली का भी काट लो। चलो भाई। चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अब मून जो है वो सुहान चला जाएगा और फिर सन आ जाएगा, सनराइज हो जाएगा। सन देखने जा रहे? सन अपने घर से देख लिया करो। सनराइज देखने जा रहे? सुहान के पापा ही आ गए सामने, ये खड़े हुए हैं, इनको पकड़ लिया हमने। रोशनी हो गई, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा ओ पप्पा जीत गए सहान के। पुरानी वीडियो का बदला ले लिया उन्होंने। पहले वाली वीडियो में हमने उनको ओवरटेक किया था ना, आज उन्होंने ओवरटेक कर दिया। फायदा उठा रहे ना, हमारी गाड़ी तो लगती है, पप्पा की गाड़ी लगती नहीं है। ओ हमें तमीज से उतारनी पड़ती स्पीड ब्रेकर पे। चलो भाई एंटर हो गए हम ये कैंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा। क्या लगता है अली, ओवरटेक कर लेंगे हम या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। नहीं करना, नहीं करना भाई। क्यों कर रही ना यार? वही करे क्या करना है? उड़ के चले जाए ऊपर से? नहीं नहीं ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक करेंगे। हाँ इन लोगों का नाश्ता हजम नहीं होगा ना ओवरटेक किए बगैर। अरे आपको जो कहना है आप जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे हैं आगे, तो खाली है ना, छोटा सा मामा जल्दी से निकल जाए। जल्दी से निकलते हैं भाई। और हमने छोड़ दिया उनको, पीछे छोड़ दिया। अब वो फिर आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। जाओ, 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 और ये जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। नहीं ना नहीं जा रहे थे। जाए जाए आज आपका दिन है। हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे एंट्री होगी। यस सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी और फिर यहाँ पे उतरना होगा। नहीं यहाँ नहीं उतरना बेटा, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, कार्ड मिलेगा, NIC दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वेट, क्योंकि एंट्री अभी खुली नहीं है। एंट्री खुलेगी 7 बजे और हम जो है वो 1/2 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। तो जो भी आने वाले लोग हों तो उन लोगों से यही गुजारिश है कि आप 7 बजे तक ही पहुँचें, उससे पहले पहुंचेंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये हमारी गाड़ी है और पीछे और भी बहुत सारी गाड़ी हैं, क्योंकि इन लोगों ने टाइमिंग्स कर दी हैं अब कि अब टाइमिंग्स पर ही आप लोगों को अंदर एंट्री मिलेगी। तो पीछे जो है रश लग गया, काफ़ी सारे लोग हैं, सब वेटिंग कर रहे हैं। एक और फैमिली आ गई है यहाँ पर, किसी को भी नहीं आइडिया था कि यहाँ पे टाइमिंग्स का हो गया है मसला। अब
अब 7 बजे ये लोग ओपन करते हैं एंट्री। आ गए नेवल एकेडमी है। नहीं तो पाकिस्तान नेवल एकेडमी है ये। इसके आगे आएगा वो आ गया मनोड़ा बीच। डेस्टिनेशन होटल ये ड्रीम वर्ल्ड वालों के हैं भाई। अच्छा। ड्रीम वर्ल्ड ने यहाँ होटल खोल लिया अपना। ये पूरा ये पूरी प्रेमिसेस जो है ये ड्रीम वर्ल्ड के अंडर में आती है। अच्छा बना। आ गया। और ये आ गए वेलकम टू मनोड़ा। हम लोग पहुंच गए। ये आ गया पार्किंग एरिया और अब हम अंदर पार्क करेंगे गाड़ी अपनी। चलो भाई सब वेट कर रहे हैं एंट्री टिकट का और हमने फर्स्ट हट ले लिया है और हम लोग आ गए हैं और रश भी बढ़ गया, एकदम ही रश बढ़ गया। सब सबके सब आ गए। और ये आ गया है बिल्कुल साफ सुथरा साहिल, बहुत साफ साहिल है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं सुहान साहब। चीखों की आवाज़ें आ रही हैं भाई। ये लोग थक गए और यहाँ पे आराम फरमाया जा रहा है। इंजर्ड हो गए। क्या हुआ तुम्हारे पैर में? लोहा घुस गया गेट से। अरे हाय आते कलेश हो गया कलेश। Are you comedy me? जा रहे अली और सुहान। आगे नहीं जाना ज्यादा। चलो भाई तुम लोग का खेल शुरू हो गया। क्या बना रहे हो? शिप की जगह। शिप की जगह बना रहे। पूल बना रहे पूल। देखो उसका जरा। चलो फिर जरा चल के देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। हालत देखें जरा भाई यहाँ पर कचरे की। सही की तबाही मचाई हुई लोगों ने। और ये वो कचरा है जो लोग हट से फेंकते हैं। वो देखो कितना कचरा कुंडी। साहिल बिल्कुल साफ है। अरे कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। सुहान अली ये देखो ये कहाँ पड़ा हुआ है। पूरा मुंह मिट्टी में कर दिया। पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए हो। नहीं उड़ाओ बेटा कब से मिट्टी। सुहान तुम्हें देख लिया हमने रोते हुए। सुहान मजा आया आपको? सुबह नहा धोके फिर गंदे आप ट्वाइस में लग गए। और अब रश कितना ज्यादा हो गया देखो जरा। बहुत रश हो गया। जेट स्की मुझे अभी जेट स्की नजर आई है। ओ जेट स्की भी है सुहान यहाँ पर। ओ ये मनोड़ा बीच पे नई चीज शुरू हो गई जेट्स की। और अभी इस पे कोई है?
इसमें सिर्फ राइडर ही है और कोई नहीं आया अभी तक। और ये आवाम का रश तो बहुत ज़्यादा हो गया यार आज। अरे लोगों ने नीचे भी टेंट लगाना शुरू कर दिए, इधर भी लोगों ने टेंट लगा लिया, अपने अपनी चादरें बिछा ली, हर्ट्स फुल हो गए। जी सुभान, जी सुभान। हम सुबह आए थे, हमारा फैसला पूरा सही था, हमारा फैसला पूरा सही था कि सुबह जल्दी आया जाए। और अभी भी लोगों की आमद हो रही है, ये गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, अरे कोस्टर सुजुकी सब आ रही हैं, तो अभी भी लोग आ रहे हैं भाई। एंट्रेंस भी फुल हुआ हुआ है और मेरे ख्याल में वेटिंग स्टार्ट हो गई है अब। वेटिंग पर हैं सब, अरे फुल वो हो गया पप्पा। समेटो जल्दी जल्दी, चलो भाई सामान समेट रहे हैं हम लोग और अब निकलेंगे। बस खाना वाना खा लिया है, सब कुछ हो गया है, अब जो है वाइंड अप करके अब हम लोग निकलेंगे। बस साहब की नलाई चल रही है, यहाँ पर इनको नलाया जा रहा है, मट्टी पलीत हो गए थे, इनको बोला अपने कपड़े उतारो, शर्ट वर्ट उतारो, नहाओ आराम से, ताकि आकर के फिर कपड़े वपड़े चेंज हो सके आपके। ये इनका नहाना पूरा हो गया। अली हैंड वेव करो, आइए आइए आइए, कैसा रहा आपका नहाना? ये लाइफ गार्ड आ गया, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, अचानक से चढ़ाई चढ़ गया पानी, तो लाइफ गार्ड ने सीटी बजा के सबको बाहर बुलाना शुरू कर दिया, किनारे से सब दूर हो गए। लाइफ गार्ड फौरन आ गए और पानी वाकई अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया, देखें कहाँ तक पानी आ गया और पहले कहाँ था, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुन रहे और बाहर नहीं आ रहे। वो देख कहाँ गए हुए ये लोग, ये देखें अभी इनमें से कोई एक दो चले जाएंगे, फिर घर वाले बैठ करके रो रहे होंगे, आए हमारा बच्चा दोस्तों का पिकनिक मनाने गया था, वो ये नहीं देखते कि उनका बच्चा कर क्या रहा है। जब एक लाइफगार्ड बोल रहा है कि आप लोग बाहर आएँ, थोड़ा किनारे पे आएँ, तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे, आप लोगों को सुनना चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए फ़ौरन। लाइफगार्ड्स की ड्यूटी होती है आप लोगों को सेव करना, लेकिन आप लोग जो है उनकी बात सुनते नहीं और फिर जो है किसी नुकसान में पड़ जाते हैं और फिर घर वाले बैठ करके दूसरों को बुरा भरा बोल रहे होते हैं। सोहन साथ आ जाओ, चलो भैया वापसी। भाई हम लोग सुबह सुबह आके हम लोग इंजॉय कर लिया है और अब ये रश आप चेक करें, ये लोग अब जा रहे हैं वहाँ पर, ये सारा टोला अब जा रहा है मनोड़ा। वहाँ जो रश था वो तो था और ये मजीद रश है एंट्री के लिए खड़ा हुआ है, तो भाई ये क्या होगा। वहाँ साहिल पैक सारे हट भर चुके हैं, फुल हो चुके हैं और लोग जो हैं चांदनियाँ और चादरें बिछा बिछा के रेत के ऊपर बैठे हुए, दीवार की आड़ में बैठे हुए हैं और अभी ये एंट्री की लाइन लगी है, मतलब डबल ट्रिपल लाइन चल रही है। देखो जरा ला शदीद रश है, शदीद। नहीं बेटा हम फिर ख्वार हो जाते हैं ना यहाँ फिर, इस तरह तो देखो इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी में हम ऐसे वेस्ट करते रहते, हम इंजॉय कर लिया और अब हम इंजॉय करके जा रहे हैं घर। हाँ क्या कह रहे हो अली, एंट्री मिल जाती तो हट नहीं मिलता, घंटों वेटिंग करनी पड़ती, हट एक ही खट के ऊपर दो फैमिलीज वेट कर रही है, निकलेंगे तो हम अंदर जाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद है आप लोगों को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।